एकता कपूर और उनकी मां शोभा कपूर पर हुआ केस दर्ज। बबीता फोगाट ने आमिर खान पर लगाया आरोप। आलिया भट्ट सोशल मीडिया पर हुई ट्रोल। डालिए इस हफ्ते की मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल खबरों पर एक नजर। आलिया भट्ट हो गई ट्रोल। दरअसल बीती रात मनीष मल्होत्रा के दिवाली पार्टी में उन्होंने अपनी मेहंदी के ड्रेस को ही रिपीट किया। बस फिर क्या था, लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। किसी ने कहा कि आलिया दीपिका पादुकोण को कॉपी कर रही हैं, तो किसी ने इसे पीआर स्टंट का नाम दे दिया। ऐसे ही कुछ कमेंट्स पर आप भी डालें एक नज़र। बबीता ने लगाए दंगल के मेकर्स पर बड़ा आरोप। दरअसल न्यूज 24 को दिए एक इंटरव्यू में बबीता फोगाट ने बताया कि फिल्म की कहानी के कॉपीराइट्स के लिए फोगाट फैमिली को जो पैसे मिले वो फिल्म की टोटल कमाई के 1% भी नहीं था। जब उनसे पूछा गया कि क्या दंगल के मेकर्स ने फोगाट परिवार को 20 करोड़ रुपए दिए थे जैसे अक्सर रिपोर्ट्स में कहा जाता है, तो बबीता ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि परिवार को जो अमाउंट मिला वो 20 करोड़ के 10% का आधा था। उन्होंने आगे कहा, मेरे पिताजी ने बस एक बात कही थी, हमें लोगों का प्यार और सम्मान चाहिए, बाकी सब छोड़ दो। एकता कपूर और उनकी माँ शोभा कपूर पर केस हुआ दर्ज। दरअसल ओल्ड बालाजी की वेब सीरीज गंदी बात सीजन 6 के एपिसोड में नाबालिग लड़कियों के अश्लील सीन्स दिखाने के आरोप में एकता कपूर और उनकी मां शोभा कपूर के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई। शिकायत में लिखा गया कि फरवरी 2021 से अप्रैल 2021 के बीच ओल्ड बालाजी पर स्ट्रीम हुई सीरीज में नाबालिग लड़कियों के अश्लील सीन्स दिखाए गए हैं। ये केस पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। क्या 2 साल में ही टूट जाएगी सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी? दरअसल सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है जिसमें एस्ट्रोलॉजर सुशील कुमार को देखा जा सकता है। इसमें वो सोनाक्षी और जहीर को लेकर भविष्यवाणी करते हुए दिखाई देते हैं। इसमें वो कहते हैं, सोनाक्षी सिन्हा की कुंडली में ये शादी 2 साल से ज्यादा चलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग में बड़ी अपडेट आई सामने। खबरों के मुताबिक इस मामले में मुंबई पुलिस ने एक सब्जी वाले को अरेस्ट किया है। कृति सैनन के गाने पर बुरी तरह भड़के पाकिस्तानी एक्टर अदनान सिद्दीकी। दरअसल कृति सैनन का नया गाना अखिया दे कोल सिंगर रेशमा के गाने का रीमेक है और यही बात अदनान को पसंद नहीं आई और उन्होंने कहा, नकल करना अच्छा लग सकता है लेकिन तब नहीं जब आप एक लेजेंड के गाए क्लासिक गाने की धज्जियां उड़ा दे। कृपया करके रेशमा जी और उनकी लेगेसी के प्रति थोड़ी इज्जत दिखाएं। उनका म्यूजिक मर्यादा के साथ ट्रीट किया जाना चाहिए, ना ही उसे महज रिप ऑफ के रूप में उधेड़ कर छोड़ देना चाहिए। डिंपल कपाड़िया हो रही है ट्रोल। दरअसल एक इवेंट में डिंपल को देख पैप्स डिंपल के पास पहुंचे और उनकी बेटी के साथ एक फोटो लेने की गुजारिश करने लगे। पैप्स आगे कुछ कहते हैं लेकिन उससे पहले ही डिंपल बोली, मैं जूनियर्स के साथ नहीं केवल सीनियर्स के साथ पोस्ट देती हूं। एक्ट्रेस का ये रूप देखने के बाद फैंस हैरान हैं। सोशल मीडिया पर उनका वीडियो वायरल हो रहा है जिसके बाद लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने जिस अंदाज में कहा वो लोगों को एरोगेंट लगा। अमेरिका की नागरिकता लेने पर अनु कपूर ने कही बड़ी बात। उन्होंने कहा, मैं जिंदगी भर इंडियन पासपोर्ट पर रहूंगा, किसी दूसरे देश का पासपोर्ट लेने से पहले मैं मरना पसंद करूंगा। ये देश मुझे चाहे कुएं में फेंक दे, गोली मार दे या फिर मुझे कुछ भी नहीं दे, लेकिन मैं अपने देश के प्रति हमेशा ईमानदार रहूंगा। अपने खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप में रेमो डिसूजा ने तोड़ी चुप्पी। सुनिए उन्होंने क्या कहा। 11 करोड़ 96 लाख का जो चल रहा है मेरा और विजय का कोई लेना देना नहीं है और ना ही कुछ फैक्ट जाने, सिर्फ ये नाम ले लिया है कि भाई हमने ये फ्रॉड किया, जबकि किड्स हु हैव डन द थिंग उसमें से आई एम श्योर देयर आर लॉट ऑफ किड्स हु डोंट इवन नो कि क्या हो रहा है एंड उनको सिर्फ खड़ा किया जा रहा है। एवरीथिंग काजोल और तनीषा में एक समय थी अनबन। न्यूज 18 के साथ हाल ही में बातचीत में काजोल ने उस दौर के बारे में बात की जब उनकी बहन तनीषा मुखर्जी के साथ उनके रिश्ते को चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने स्वीकार किया कि एक ही इंडस्ट्री में होने के कारण अक्सर तुलनाएं होती हैं और भाई बहनों के बीच अनजाने में कॉम्पिटिशन पैदा हो जाता है।